नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आज की मुख्य खबर से, जो कि इंदौर से आ रही है। आपको बता दें कि रात भर से भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस ने बड़े नाम भू माफियाओं के सामने रखे हैं। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देश में की गई है, जो कि 3,250 करोड़ रुपए की जमीन भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार ने भू माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बता दें कि इसके पहले सरकार ने इंदौर में ही करोड़ों रुपए के राशन घोटाले को उजागर किया था और हजारों करोड़ों रुपए की जमीनों के जादूगरों के असली चेहरे सामने लाकर उन पर कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इंदौर में यह भू माफियाओं के खिलाफ प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कारगर कार्यवाही मानी जा रही है। इसकी जब जांच प्रारंभ की हम लोगों ने, जांच हम लोगों ने पहले भी कुछ की थी इसकी, और ये पाया गया कि अयोध्यापुरी में लोगों के पास रजिस्ट्री थी और लगभग 15 से 20 साल के पहले की भी रजिस्ट्रियाँ थी वहाँ पर लोगों के पास में, कब्जा सहित रजिस्ट्री दी गई थी। खास बात यह है, लोगों का अधिपत्य था उसमें और उसके बाद भी उनको जाने नहीं दिया जाता था। उनको उनकी व्यथा ये थी कि वो लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, अगर जाते हैं तो उन पर धमकी आती, दबाव आती है, लोग आ जाते हैं, गुंडागर्दी का माहौल हो जाता है और उनके प्लॉटों पे सैकड़ों ट्रक मलबा डलवा दिया गया था ताकि वो प्लॉट पे अपने कोई कारण नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए प्लॉट पे। इसी प्रकार की कथा पुष्पविहार कॉलोनी में थी। प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की और 3,250 करोड़ रुपए की जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई है। आपको बता दें कि 2 दशक से भी ज्यादा समय से भूमाफियाओं का जमीन पर कब्जा था। इसमें कुल 17 आरोपी हैं जो अभी नामजद हैं। इनके विरुद्ध डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस उपलब्ध है। कल इनकी तलाश में विभिन्न जगह एफआईआर के पश्चात जब साक्ष्य का परीक्षण किया गया उसके उपरांत तलाश ली गई थी। 2 आरोपी अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष आरोपी अभी फरार हैं। 1 आरोपी का अभी जेल में दाखिल होना ज्ञात हुआ है। इन 6 प्रकरणों में समुचित अनुसंधान चल रहा है और जो विधि का जहाँ जहाँ उल्लंघन हुआ है अभी IPC सेक्शंस में है। यदि कोई माइनर एक्ट का भी उल्लंघन किया गया होगा तो उसका भी समावेश किया जाएगा और एक फुल प्रूफ केस इसमें माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रशासन की कार्यवाही के बाद भूमाफिया से पीड़ित करीब 1500 हितग्राहियों को न्याय मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।